नमस्कार देवी और सज्जनों, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि निकोला कंपनी के कार्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि 100% इम्पोर्ट टैक्स था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की निर्याती पे, गवर्नमेंट ने उसे 50% कर दिया है। अब जल्द ही कुछ लोगों का ऑटोमेटेड कार लेने का सपना पूरा होगा। निकोला के फाउंडर भी इस फैसले से बहुत खुश है और प्री बुकिंग कल से शुरू हो रही है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो निकोला का 3X मॉडल है, जिसे हम सुल्तान के ब्रांड नेम से भी जानते हैं। यह मॉडल इंडिया में आने वाला है, 1 तारीख को यही मॉडल लॉन्च होने वाला है। आखिरकार इंडियन रोड पर ऑटोमेटेड कार दिखेंगी और आप सब भी तैयार रहिए इसके लिए। न्यूज 7 में बस इतना ही। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, बात अपने दिमाग में डाल लो। तुम ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे तुम? इसमें और इश्यूज नहीं आने चाहिए। अब रखो फोन, सबके सब निकम में भरे पड़े हैं। महाराज, पहला कदम सफल रहा हमारा। बहुत अच्छे सेनापति, जंग अब शुरू हो चुकी है, इसमें हमारी विजय निश्चित है। क्या हमारा खिलौना जाने के लिए तैयार है? जी महाराज। तो फिर बिना वक्त गवाए भेज दो उसे शहर पे। ये कार बिना ड्राइवर के चल रही थी क्या? आज की सुबह कुछ ज्यादा शुभ नहीं है मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि कल रात ठीक 11 बजे के आसपास सिटी हॉल के सामने एक कार में धमाका हुआ है। इस एरिया में रात को आवाजाही बहुत कम रहती है, फिर भी यहाँ धमाका कैसे हुआ? किसी ने भी ड्राइवर को नहीं देखा है, ऐसे यहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस को बयान दिया है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये कार निकोला कंपनी की है, जो सिर्फ 2 दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुई है। नंबर प्लेट को देखकर पुलिस ने यह पता लगाया कि ये कार रियल एस्टेट बिजनेसमैन आरपी सिंह की है, और इत्तेफाक से आरपी सिंह की भी कल रात ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस कार की हालत, और पुलिस ने यह बताया कि ये ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का था, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों के मन में डर फैला है कि ये कहीं टेररिस्ट अटैक तो नहीं, पर अभी तक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।
कमिश्नर ने कहा है कि जल्दी केस सॉल्व होगा और मुजरिम पकड़े जाएंगे। ये एक प्लांट टेररिस्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, इसी वजह से होम मिनिस्ट्री ने यह केस हमें हैंडओवर किया है। ऑफिसर कीर्ति विल बी लीडिंग दिस केस और तुम सब उसे रिपोर्ट करोगे। शी विल बी हियर इन ए मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कीर्ति। होप यू नो द केस। स्टार्ट योर इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ। ऊपर से बहुत प्रेशर है। यस सर, मैंने स्टडी कर ली है। वी विल कैच कल्प्रिट सून। ऑल द बेस्ट। तो एक एक्सीडेंट और एक ब्लास्ट, जिस ब्लास्ट में उसी की कार यूज हुई है जो फोन ब्लास्ट में मारा गया, और विक्टिम भी एक रिनाउन बिजनेसमैन आरपी सिंह। सतीश, कोई ऐसी चीज पता चली जो खटक रही हो आरपी सिंह के बारे में? नो मैम, ऑल क्लियर। उसकी कंपनी डायनेस्टी 8 जो रियल एस्टेट बिजनेस में है, वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन रियल एस्टेट लॉबी। 6 महीने पहले ही रेडीमेड स्मार्ट होम स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी। और उसकी वो कार निकोला कंपनी की है ना? राइट मैम। फर्स्ट डे इटसेल्फ ही बुक द कार इन एडवांस। द वेरी नेक्स्ट डे इट वाज अनाउंस्ड दैट निकोला कार्स विल लॉन्च इन इंडिया। कुछ तो रॉन्ग है। आरपी का एक्सीडेंट में मारा जाना, उसकी कार का ब्लास्ट होना, इस इंसिडेंट की वजह से इंडियन शेयर मार्केट में निकोला और डायनेस्टी दोनों के शेयर्स बुरी तरह से गिरे हैं। सतीश, हैव यू चेक हिज फोन? नो मैम, अभी हमारे पास आया है टूटा हुआ। वी विल हैव टू चेक। चेक करो। और वो कार बॉम्बर ऐसे जगह क्यों ले गया जहां उस वक्त अगर ब्लास्ट हुआ तो देयर विल बी हार्डली अ सिंगल कैजुअलिटी? ब्लास्ट टाइम से पहले तो नहीं हुआ? नहीं तो, सुबह 10 बजे वो एरिया चहल पहल वाला रहता है और 11 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ है ना? ये कुछ और है। और ड्राइवर को किसी ने देखा भी नहीं? वैसे ही सैटरडे सीएम सिटी हॉल आने वाले थे एक सेरेमनी के लिए, बट वो अब कैंसिल हुई है इस सब के चलते। कुछ तो मिस हो रहा है इसमें। आरपी का घर और ब्लास्ट हुई प्लेस में डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर मैम। तुम और नेक दोनों उस 2 किलोमीटर के एरिया में इंक्वायरी करो। सीसीटीवी शॉप सभी जगह पूछताछ करो, किसी ने तो ड्राइवर को देखा होगा। ओके मैम, ऑन इट। हम लोग पीएसबी से है। ये सीसीटीवी कैमरा सामने वाले रोड को कैप्चर करता है क्या? हमें एक कार के बारे में पता लगाना है जो पिछली रात उस रोड से गुजरी थी। नो सर। कोई बात नहीं, फिर भी हमें फुटेज भेज दो। वो देखो, सामने वाले ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरा है। निक, ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके फुटेज मंगाओ। कुछ खाओगे? ठीक है, चलो। कार के केस ने हमारा दिमाग ही खराब कर दिया है। अरे, ये कोई पुलिस वाले तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलो, एनी प्रॉब्लम? सर, मैंने उस कार को देखा है। ऑफिस में स्ट्रेस के चलते मैं यहाँ ड्रिंक करने आता हूँ सर, पर कल मैंने पी नहीं थी सर। कार मेरे सामने से गुजरी और उसमें कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई चूक हुई है, पर मैं सही था सर। जरूरत पड़ी तो आपको मिल रही है कोर्ट आना पड़ सकता है, क्योंकि आप विटनेस हो इस केस में। बिल्कुल सर, देश का नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है आपकी मदद करना। मैम, वी गॉट वन मैन जिसने कार को देखा है। उसका कहना था कि देयर वाज नो वन इन द कार। आर यू श्योर? यस मैम, और ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट से हमने रिकॉर्डिंग मंगवाई है। तो कार वॉज रनिंग ऑन ऑटो पायलट बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के? ऑटोमेटेड कार्स वॉज गुड इनिशिएटिव पर निकला, पर इस किलर ने इस क्राइम के लिए इसका भी यूज किया। मैन, मैन। क्या हुआ? किसी ने ब्लास्ट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, पैचिंग इट टू वेंटिंग। हेलो पीएसबी टीम, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ फैंटम और मेरी एक सलाह है कि वक्त रहते तुम लोग इस केस को बंद कर दो। ये एक जंग है जो मैंने शुरू की है, क्योंकि आज के जमाने के कुछ बदलते तौर तरीके मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रहे। आज सब लोगों को ऐसी चीजों से लगाव हो गया है जो भविष्य में इंसानियत के विनाश का कारण बनेंगी।
इंसान अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खो देगा। तो मैंने इस विनाश को रोकने की जिम्मेदारी ली है और जिससे खतरा लगे वो इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगा। आरपी सिंह और वो ब्लास्ट तो सिर्फ लड़ाई की शुरुआत है और ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं होगी क्योंकि इंसान अपने तौर तरीके भूल चुका है। आने वाले 15 अगस्त को इस जंग का सबसे बड़ा पड़ाव होने वाला है। तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मेरा कोई नामो निशान ही नहीं है। लिसन सतीश, पता करो ये वीडियो किसने भेजा है और कहां से आया। वी नीड टू गेट दिस मैन। हेलो कीर्ति। हेलो डॉक्टर, कुछ पता चलो? हमने कार की जांच की, इट वॉज फिटेड विद अ C4 एक्सप्लोजिव जिसे रिमोटली ट्रिगर किया गया है, बट इट वॉज नॉट ऑफ हाई इम्पैक्ट। तो RDX यूज हुआ होगा राइट? यस, मस्ट बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास आई वीडियो रिकॉर्डिंग में जो आदमी है, डोंट नो व्हाई बट ही डजंट साउंड लाइक टेररिस्ट। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर हेल्प। या श्योर, बाय। सेनापति, क्या तुम अगले मिशन के लिए तैयार हो? जी महाराज। इसमें तुम्हारे पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है, वो लोग तुम तक पहुंच सकते हैं। अब निश्चिंत रहिए, मैं पुलिस वालों और PSB वालों का संभाल लूंगा। नेक्स्ट मिशन इज ऑन नाउ। एनी अपडेट सतीश? RPS-4 वाज फिटेड विद 18 माइक्रोचिप विच कैन बी कंट्रोल रिमोटली। जैसे उसने फोन उठाया, चिप वॉज एक्टिवेटेड एट कॉज थर्मल रनवे और फिर बूम। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था कि वुड बी डेड इन सेकेंड। मर्डर एंड टेरर एक्ट, ये चिप कहाँ से आई उसके फोन में? बट चिप वॉज इंसर्टेड अर्लियर मैम, बहुत नीटली होगी। पता करो कि RP पिछले कुछ दिन से कहाँ कहाँ गया। किसी ने उसी टाइम इसके सेलफोन के साथ टैम्पर किया होगा। एंड मैम, आई कनेक्टेड टू निकोला कंपनी, उनसे डेटा मिला है। यही कार कल रात जब स्टार्ट हुई तब से अगले 12 मिनट तक चल रही थी और फिर इस सिटी हॉल के सामने आकर रुकी, देन ब्लास्ट। इससे मारने के बाद बायोमेट्रिक से इसकी कार उस लोकेशन पे भेज दी होगी। एक्चुअली इट इज द मोस्ट वल्नरेबल मॉडल ऑफ निकोला, बायोमेट्रिक की कोई जरूरत पड़ी नहीं। निकोला 2 की कार्ड फॉरवर्ड करते हैं हर कार के साथ, एक फिजिकल और एक स्मार्टफोन में। फोन तो ब्लास्ट हुआ पर फिजिकल की कार्ड के बिना क्रिप्टोग्राफिक डेटा इंटरचेंज नहीं हो सकता और कार भी अनलॉक नहीं हो सकती। किलर घर के आसपास होगा। RP के मरने के बाद उसने की कार्ड लिया और कार अनलॉक की और फिर ऑटोपायलट मोड ऑन किया। टेक्निकली दिस फैंटम गाय इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वीडियो सोर्स के बारे में कुछ पता चला? नो मैम, ये हाई लेवल इंक्रिप्शन यूज कर रहा है जो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। कोई नई डेवलप टेक्नोलॉजी हो सकती है। एंड स्ट्रेंज, ये कहीं यूज नहीं हुई आज तक। नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक डाउन इन दिस ह्यूज नेटवर्क ट्रैफिक। वी नीड मोर टाइम। उस वीडियो को वॉइस ट्यून करके पता लगाओ कि आसपास के सराउंडिंग से किस तरह की आवाजें आ रही है। एटलीस्ट वी कैन गेट सम क्लू। श्योर मैम। बट क्या है जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है? कौन सी चीज है जो इंसानियत को तबाह कर देगी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन अराउंड अस। 15 अगस्त के पहले हमें इसे पकड़ना ही होगा, नहीं तो पता नहीं ये कितनी तबाही मचाएगा। हेलो, वी आर फ्रॉम PSP टीम। यस मैम। डेथ के एक दिन पहले जब RP यहाँ आए थे तब उनसे कोई मिलने आया था? कोई आदमी जो गड़बड़ हो? नो मैम, दिस इज अवर न्यू ऑफिस और उस दिन यहाँ हमें आगे बिजनेस कैसे सेटअप करना है इस रीजन में ये डिस्कशन होने वाला था। ऑल डे सर वॉज हियर, मीटिंग थे बट वही इन्वेस्टर और पार्टनर्स के साथ। उनका फोन कहाँ था? हर वक्त उनके साथ था या किसी ने उसको हाथ लगाया था? यूजुअली मैम, मीटिंग्स के वक्त सर फोन यही रखते है। So that means कोई भी इजीली हाथ लगा सकता है and he can bug the phone. Bug? आपके सर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, it's a murder. Oh no. हाँ, इसीलिए जो याद आए वो बता दो। हाँ मैम, एक चीज है, सर के लिए पार्सल आया था उस दिन, वो पूरा दिन यही थे इसलिए पार्सल उन्हें इसी एड्रेस पर चाहिए था। कौन लेकर आया था? Courier boy from Go Postal Courier Service. कुछ गड़बड़ लगा? गड़बड़ नहीं, पर सर अपने केबिन में थे,
तो मैं जिस पार्सल के बारे में उन्हें बताने गया तब तक वो यही था और फोन भी यहाँ था। सो इट मींस ही कैन बी आर गाय। सीसीटीवी कैमरा है ना आपका, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। श्योर, प्लीज कम विथ मी। कब आया था वो? मैम यही टाइम पे, मैं उसे इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ पर वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। आर यू फूलिंग अस? और ये तुमने किया है? नहीं मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। यू कैन सी मैं सर को बुलाने भी गया। कीप प्लेइंग फुटेज। वेट वेट, ये बीच में क्या हुआ? प्ले इट अगेन। वेट, पॉज इट। मैम यही है वो। Strange. First time I'm seeing this in my 6 years of experience. ये video real time में modify करके कल्प्रीत को mask किया गया। But due to some distortion at one moment, हमें ये आदमी दिखा। वो भी पीछे से मैम। Doesn't matter. इनसे footage लो। Sketch बनवा सकते हो क्या इसका? No ma'am, उसने mask पहना था COVID वाला। Okay, no problem. अरे ये क्या हो रहा है सर? यू नीड टू सी दिस। वी आर ऑफलाइन। समवन हैज हैक्ड इनटू आवर सिस्टम्स एंड इन्फेक्टिंग आवर डेटा सोर्स। सो ऑल दिस, यू आर द बेस्ट हैकर इन लाइफ टेक। डार्ट्स नॉट द पॉइंट सर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैलवेयर। आई एम हार्डली एबल टू क्रैक इट। द पैटर्न्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स व्हिच आई नेवर हर्ड। हाउ कैन इट बी? हु इज डूइंग दिस? डोंट नो सर, ही इज हैविंग आवर होल डेटा नाउ। ऐसे हमारा डेटाबेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड मैनी नेशनल एजेंसीज। दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ वी आर अनेबल टू रिकवर आवर सिस्टम्स। अब कोई फायदा नहीं सर, ही हैज ओवर टू कवर सिस्टम्स एंड आई डोंट थिंक एनी हाई लेवल हैकर कैन सॉल्व दिस। एटलीस्ट ये बताए तो कि चाहता क्या है। लुक सर, देयर इज एन इनकमिंग कॉल। हेलो गाइस, कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? Revolution. What revolution? LifeTech कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर था 2500 करोड़। नेशनल मल्टीनेशनल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स। फिर भी गलतियां बहुत की तुम लोगों ने। What you are saying? Most of the projects जो रिलीज रेडी नहीं थे उन्हें मार्केट में उतारा गया टू मेक those crores. So what? And business, we have to take risk. And all our projects are doing good in market. We are currently number one in India. रेस इज लाइक एन एडिक्शन जो इंसान कभी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स का डेटा एनालिटिक्स मेरे पास है। कितने प्रॉब्लम्स है आई नो, बट योर कंज्यूमर्स हार्डली नो। टेल मी योर अमाउंट। मनी, अनदर एडिक्शन, यू कांट बाय मी। व्हाट डू यू वांट देन? एंड गेम ऑफ LifeTech। योर प्रीमैच्योर रिलीज हैज कॉस्ट मेनी थिंग्स टू दिस वर्ल्ड, एस्पेशली योर लास्ट रिलीज प्रोजेक्ट। नो। यस, I know all the game. तुम्हारे addictions इस LifeTech कंपनी के साथ आज खत्म होते हैं। Bye bye. नहीं रुको, रुको। नहीं नहीं नहीं। मैम, को पोस्टल के मैनेजर से बात हुई। He was telling कि डिलीवरी बॉय का नाम मजीद था और उस दिन की वो उसकी लास्ट डिलीवरी थी। क्यों? मैम, वो अपने घर जाने वाला था। His hometown मध्य प्रदेश। ताकि कोई शक ना करे। मैम, बट ही इज नॉट द कल्प्रिट आई थिंक। मेरी उसके घर वालों से बात हुई, दे सेड उसका उन्हें कोई कॉल नहीं आया। उसके घर जाओ, कुछ मिलता है क्या देखो, क्विक। वही जा रहा हूँ मैम। मैम, अजीत इज डेड, सीम्स लाइक सुसाइड, ही कट हिज वेन्स। घर की तलाशी ली मैंने पर कोई सुसाइड नोट ना मिला, ना कोई ठोस सबूत। यस मैम, बॉडी फॉरेंसिक भेज रहा हूँ मैं। यस मैम, मुझे भी यही लग रहा है, किसी ने उसे मजबूर किया है या फिर उसी आदमी ने खुद उसे मारकर इसे सुसाइड दिखाया है। Yes, ma'am. Okay.
मैम, फैंटम हैज एग्जीक्यूट हिज अटैक ऑन नेक्स्ट टारगेट। लाइफ कंपनी के सारे सर्वर्स आज क्रैश हो गए हैं। इवन देयर क्लाउड डेटा इज डिस्ट्रॉयड। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट डेटा दे हैव वर्क फॉर एंड करंटली वर्किंग फ्रॉम ऑल देयर ब्रांचेस इन मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड गुजरात। सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज। इससे पूरे स्टेट में हलचल मचेगी। Yes, this is the biggest cyber attack in India since years. Company is just going to shut down tomorrow. Unke paas kuch bacha hi nahi hai. Total 750 employees were unemployed in just few hours. Social media news sabhi jagah yahi charche hai. One more thing, Fenton ne Mumbai branch manager se video call par baat ki. He was just like punishing them. Par kis baat ke liye? Don't know ma'am, they have created very high-end software for government, public welfare and system security. They were emerging company. ये फैंटम जो भी कर रहा है उसके पीछे कुछ तो मोटिव है। सतीश, इन लाइफ कंपनी वालों की कुंडली निकाल दो। Let me see the video recording as well. अब इस जंग का एक महत्वपूर्ण चरण आ चुका है। PSB हम तक बस पहुंचने वाले हैं, पर वो लाचार है, कुछ नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त के दिन उनकी दुनिया हिल जाएगी। निश्चिंत रहिए आप, हमारी सेना तैयार है और ट्रोजन हॉर्स भी। बढ़िया, जीत हमारी होगी। जल्दी आज के तौर तरीकों से मुक्ति दिलाएंगे हम दुनिया को। कीर्ति, आई फाउंड समथिंग विच कैन बी ऑफ हेल्प। वो डिलीवरी बॉय, किसी ने उसकी वेन काटी है। कट मार्क लिटिल फिंगर से स्टार्ट होकर थंब तक जा रहा है। खुद काटना होता तो वो सीधा काट देता, ऐसा उल्टा नहीं। तो फैंटम या किलर ने उससे मारा है? यस, और सबसे इम्पोर्टेंटली उसके बॉडी पे रस्ट के मिनट पार्टिकल्स मिले हैं। सेम पार्टिकल्स उसके घर से जो हमने फुटप्रिंट उठाए थे उस पे भी है, एंड दे आर सस्पेक्टेड टू बी ऑफ किलर। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दिस आर? ओल्ड मशीनरी, रस्टेड, जो यूज में नहीं या यूज और स्क्रैप की गई हो। कहीं स्क्रैप यार्ड या ऐसी फैक्ट्री जो बंद पड़ी हो बहुत टाइम से। एज ऑल पार्टिकल्स फाउंड आर रस्टेड। It is a big clue, Doctor. Thank you so much. You are welcome. कुछ और पता चला तो बताती हूँ। Hello, Tao. शहर में जितने scrapyard है या ऐसे factories जो बंद पड़ी हो उनका पता लगाओ। ये phantom वहीं पे छुपा हो सकता है। उस तक पहुँचने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। Yes. अपने इन्फॉर्मर्स को भी यह खबर दे दो। ये तो बंद है, पर ये लोग कौन है? ओ गंस, CTS को खबर कैसे नहीं इस बारे में? ये सब ट्रेन मर्सिनरीज लगते हैं। लगता है फैंटम यहीं पर मिलेगा। मैम, वी गॉट अ बिग लीड। गो ऑन। मैम, रॉजर स्क्रैपयार्ड जो पिछले 5 साल से बंद है वो असल में बंद नहीं है। देर आर इलीगल एक्टिविटीज गोइंग ऑन, एमिनेशंस विद पीपल लुकिंग लाइक गैंगस्टर्स और ट्रेन मर्सिनरीज। व्हाट? शहर के बीच ये सब चल रहा है और किसी भी खबर नहीं? नॉट इवन CTS हैविंग अ क्लू अबाउट दिस, क्योंकि CTS के पास से कोई इंटेल नहीं मिला है हमें। डोंट नो मैम, कुछ दिन पहले पता चला था कि दे आर नाउ यूजिंग सम एडवांस टेक टू कैच टेररिस्ट एंड स्लीपर सेल्स, बट इस बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। मैम, वी हैव टू कॉल देम देन। फैंटम उसी फैक्ट्री में छुपा हो सकता है। मैम, वी हैव टू कॉल CTS देन। आई थिंक वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दैट। कल 15th अगस्त है। CTS का इस केस में इन्वॉल्वमेंट देखकर न्यूज एंड रूमर्स कैन स्प्रेड आउट या फैंटम कैन गेट अलर्टेड। एंड टू ऐड इन इट, CTS team will be alerted more tomorrow on national duty. Then what will be our take on this, ma'am? Tao, PSB has its own tactical operation team, Cobra. They executed all missions covered and rescue operations till date without fail since it was formed. We have to debrief them and make them ready. Quick. मैम, एक बड़ा सबूत मिला है जिसका इनडायरेक्टली इस केस से ताल्लुक है। LifeTech company has made a project called Radar. एक एडवांस AI mechanism ट्रैकिंग ऑल टेररिस्ट एक्टिविटीज और कई थ्रेट लेवल हैं। देन इट नोटिफाइज द यूजर, इवन इट पेज द डेटा ऑफ पर्सन एंड कैलकुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम एंड प्रेडिक्ट्स इफ ही इज टेररिस्ट। तो फिर कुछ गड़बड़ इस प्रोजेक्ट में ही है। किसे प्रोवाइड किया है ये प्रोजेक्ट? CTS, काउंटर टेररिज्म स्क्वाड। व्हाट? यस मैम, द थिंग इज प्रोजेक्ट वॉज नॉट टोटली कम्प्लीटेड एंड कैलकुलेशन एल्गोरिथम में लूप होल्स थे, फिर भी इट वॉज हैंडेड ओवर।
ओह नहीं, इट कैन कॉस्ट मेनी इनोसेंट लाइव्स। CTS हैज बीन एनहांस्ड नाउ विद दिस प्रोजेक्ट, ऐसे पता चलता है। दे कैरीड आउट मेनी ऑपरेशंस इन लास्ट मंथ, मेनी टेररिस्ट वर किल्ड एंड कॉट। या आई हर्ड, तो इनके सक्सेस का ये राज था। Yes, ma'am, and it was confidential. Very few people know. Even NSA has very little knowledge about it. Oh, तो ये टारगेट है कल फैंटम का? Sorry, ma'am, I didn't get you. Listen, LifeTech sold this project to CTS. उन्होंने इससे कई सारे operations किए, but मुझे लगता है कि कुछ और बेकसूर लोगों का भी इसमें नुकसान हुआ है. And the reason was this incomplete project with loophole. Phantom का कल main target है CTS team. या मैम, चीजें कनेक्ट हो रही है। CTS चीफ ने बहुत जोर दिया था अर्ली रिलीज का, ही डिडंट केयर अबाउट लूपहोल्स। उन्हें बस दिखाना था कि CTS इज मोस्ट टैलेंटेड इंटेलिजेंस एजेंसी एंड फॉरवर्ड इन एलिमिनेटिंग न्यूमेरस थ्रेट। फिक्स वर्जन फॉर लूपहोल्स गोना टेक लॉन्ग टाइम, बट CTS वाज नॉट हैविंग पेशेंस। LifeTech को आया वीडियो कॉल, लास्ट रिलीज प्रोजेक्ट हैज कॉस्ट मेनी थिंग्स, ऐसा फैंटम ने कहा था, याद है? या मैम, दिस रेड आई वाज देयर लास्ट रिलीज प्रोजेक्ट। सतीश, can you access any details about this project anyhow? Any operation data? Nearly impossible, ma'am. Phantom ne sare access restrict kiye hai. But I will try to retrieve static data from CTS database. But uske liye hame upar se permission lagega, ma'am. Do it out of record. I will take this responsibility. Yes, ma'am. Isliye, ma'am, CTS ko is factory wale threat ka pata nahi. Kyunki they are dependent on AI. Aur Phantom ne usse pehle hi hack kar liya tha. पर ये आरपी सिंह की डेथ, कार ब्लास्ट, इनका उससे क्या कनेक्शन? शायद CTS को इन्वॉल्व करना चाहता था। प्रोबेबली, लेट मी स्टडी आरपी सिंह फाइल। फैंटम का मोटिव CTS के साथ खत्म नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक पड़ाव है उसकी जंग का। एवरीवन विल रिपोर्ट एट 7 AM शार्प टुमारो विद टैक्टिकल टीम। सतीश, बी रेडी विद योर टेक टीम्स। ताओ, तुम सिटी वे इन्फॉर्मर्स को आगाह कर दो। इन एनी वे वी हैव टू स्टॉप दिस फैंटम टुमारो। मैम, फैंटम इज ऑन कॉल। हेलो गाइस, आशा करता हूँ तुम सब रेडी हो कल का धमाका देखने। उससे पहले तुम्हें धमाके से उड़ाने की सोच रहे हैं हम, बस तुम्हारा प्लान फेल करने की तैयारी जारी है। कीर्ति, द हेड ऑफ ऑपरेशंस PSB, बहुत इंटेलिजेंट समझती हो खुद को। मुझे रोकने जाओगे तो मेरा तरीका बदलेगा, बट माय मिशन विल बी सक्सेसफुल। 99% प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। हमारे लिए वो 1% भी काफी है। हैव अ बैड डे टुमारो फैंटम। आई लाइक बैड डेज। आज 15 अगस्त है, देश की आजादी का दिन, खुशी का दिन, पर आज के दिन इस शहर में खतरा मंडरा रहा है। इस तरह के खतरों को एलिमिनेट करना हमारा काम है। और गाइस, फैंटम, जिससे किसी ने नहीं देखा और ना उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी है, ही इज टेक्निकली एडवांस। उसका मोटिव किसी कम्युनिटी की अच्छाई को सपोर्ट या किसी कम्युनिटी को खत्म करना नहीं है, उसका टारगेट है टेक्नोलॉजी। ह्यूमैनिटी हैज स्टार्टेड लूजिंग इटसेल्फ इन टेक्नोलॉजी। कुछ साल बाद ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी विल कंट्रोल अस। ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग विच कैन कॉस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ये जिम्मेदारी ली है ह्यूमैनिटी को बचाने की इस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्शन से। लेट्स अंडरस्टैंड। आरपी सिंह इन्वेंटेड ऑटोमेटेड होम्स कॉन्सेप्ट, बट ओनली फॉर हाई क्लास पीपल। ही अनाउंस ऑन सोशल मीडिया द सेम वीक कि अदर देन हाई सोसाइटीज द प्रोजेक्ट विल नॉट बेनिफिट अस एज बेसिक पीपल विल रुइन आवर प्रोजेक्ट। ये आदमी को घमंड था अपने टेक्नोलॉजी पे, बेस्ट ऑटोमेटेड होम्स टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। बस किया टारगेट फैंटम ने इसे। निकोला कार्स, दे वेर ऑल्सो टेक्निकली एडवांस ऑटोमेटेड, बट स्टिल दिस कार स्टिल हैव सम फ्लॉज। वन ही ऑलरेडी शोड अस, हैक करके कार ब्लास्ट करवाई। फ्यूचर में मिलियंस ऑफ ड्राइवर्स कैन लूज देयर जॉब्स। एनीवन कांट गारंटी 100% सेफ्टी ऑफ पर्सन सिटिंग इनसाइड इट व्हेन कार इज सेल्फ ड्राइविंग एंड दिस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इंडियन रोड पे कई साल जाएंगे इसे ऑन ट्रैक लाने के लिए। 7 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू दिस कार एक्सीडेंट्स इन US। गवर्नमेंट ने कुछ समय तक इन कार्स को बैन कर दिया है अब इंडिया में। एंड LifeTech इनकम्प्लीट AI बना के CTS को दिया। लास्ट वीक गुजरात बॉर्डर पे हुए ऑपरेशन में 2 मासूम लड़के मारे गए जो सिर्फ गुजरात में स्टडी करने के लिए आए थे। AI प्रेडिक्टेड इट रॉन्ग और ये CTS को बाद में पता चला। उन लड़कों के घर वालों ने इंक्वायरी की मांग की, बट नथिंग, केस वॉज क्लोज्ड। LifeTech तो खत्म हो चुका है, नाउ ही इज गोइंग टू टारगेट CTS टीम। फैंटम अपने इनिशिएटिव पे सही है कि टेक्नोलॉजी कैन डिस्ट्रॉय अस, सो वी मस्ट कंट्रोल इट बिफोर इट कंट्रोल अस, बट एग्जीक्यूशन का तरीका गलत।
He is a vigilante who is not gonna stop, but we will stop him. Tactical team, be ready. We will guide you on comms. Ab sab isi work spot ke liye nikle. Yes, ma'am. I have informed local police and rapid action force. Wo logo ne factory ko gher liya hai. They will assist you on exact location of targets. Eliminate everyone except Phantom. Mujhe wo zinda chahiye. Now go. On it, ma'am. Tao, tum bhi niklo. Stay near factory. Phantom bahut chalak hai. Kuch bhi kar sakta hai. We will breach and attack. Everyone got it? I want no hiccups on this mission. कितने लोग हैं अंदर? 30 के करीब. सबके पास हथियार हैं. Come on, boys. Ma'am, we are going closer to the factory. अंदर करीब 30 लोग हैं और सबके पास हथियार हैं. Don't attack till my order. We are ready to breach. Waiting for your order. Go. Come on, boys. Attack. Looks like all mercenaries are eliminated. Phantom not found yet. We are moving forward. Oh no. क्या हुआ? मैम यह आगे वाले सेक्शन में हर जगह C4 explosives planted है. Can blow in any minute. It's a trap. Get out of from there now. Hurry boys, we have to leave this building. We have lost our two men. जल्द मुलाकात होगी मेरे भाइयों. पुलिस फैंटम का पीछा कर रही है मैम. फैंटम अपने आप को हमारे हवाले कर दो.
हेलो मैम, ही सैट ऑन द प्लेन। कौन, फैंटम? यस, शायद भाग रहा हो। नहीं, भागेगा नहीं। फैंटम को जितना हम जान गए हैं, वो किसी भी तरीके से कोशिश करेगा इस मिशन को पूरा करने की। उसका प्लान फेल हुआ है, वो नहीं। यस मैम, पर ये तो प्लेन में बैठकर फरार हो गया। ओह माय गॉड गाइस, ही इज गोना क्रैश प्लेन इनटू सीटीएस हेडक्वार्टर्स। व्हाट? यस, उसने कहा तरीका बदलेगा। इट इज हिज प्लान बी। सिर्फ हेडक्वार्टर्स नहीं, सराउंडिंग में बहुत नुकसान होगा। रिमेंबर 9/11? अब हम क्या करें मैम? ताओ, तुम सीटीएस हेडक्वार्टर्स के लिए निकलो जितनी फोर्स है उनके साथ। मैम, लाइन इज कनेक्टेड टू सीटीएस। हम उन्हें हेडक्वार्टर के साथ साथ एरिया इवैक्यूएट करने बोलते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। एयरपोर्ट से हेडक्वार्टर की दूरी अगर प्लेन से गए तो कैलकुलेशन के हिसाब से 15 मिनट्स। एंड ही हैज लेफ्ट। वी हैव ओनली 12 मिनट्स। गेट चॉपर रेडी सतीश। आई एम गोइंग देयर टू अलर्ट ऑल एजेंसीज। जो भी जल्दी पहुंच सके एंड कॉल मेडिकल रिस्पांस टीम आल्सो। क्विक। मैम, मत जाइए। आपके जान को खतरा हो सकता है। कम ऑन, डोंट वरी। आज के दिन से अच्छा दिन नहीं है शहीद होने के लिए, और इतना जल्दी मैं तुम लोगों का पीछा तो नहीं छोड़ूंगी। सब लोग ध्यान से सुनो, अ प्लेन इज कमिंग अवर वे। आई नीड ए लॉक ऑन टारगेट व्हेन इट अराइव्स। ही इज हियर। एवरीवन इन पोजीशन।